अलवर की पूर्व नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर न्यायालय के आदेशानुसार पद ग्रहण करने के अलावा जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलने का मन बनाकर नगर परिषद आई। इस पर वहां जाकर उन्होंने देखा कि नगर परिषद में आयुक्त सहित बहुत सारे कर्मचारियों के होने के बावजूद आम जन की सुनवाई नहीं होने से लोग परेशान दिखे। इस पर मौजूद कर्मचारियों को लताड़ लगाई हुआ इस मामले से उन्होंने जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया। इस पर जिला कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आम जन की समस्याओं के शीघ्र समाधान करने के निर्देश देते हुए बात को दोहराई। हम सुबह से बैठे हुए हैं, इसको एग्जामिन करवाना, हम बैठे हैं, हमें हमारा हक दिलवाएं, हम आज मैं नगर परिषद में अपना पद ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुझे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, उन्हीं से मैं पद ग्रहण करने आई हूँ। उच्च न्यायालय ने मुझे दो महीने पहले ही आदेश दे दिया, लेकिन मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि सरकार बिठा दे, उसमें मेरी और सरकार दोनों की ही सलामती रहेगी, तो इसलिए मैंने DLB में कई चक्कर काटे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया आज बिठाते हैं कल बिठाते हैं, लेकिन मैंने सुनवाई नहीं की। जब मेरे पास आदेश आ गए क्लियर, तो मैं अपना पद ग्रहण क्यों नहीं करूंगी, इसलिए मैं आज यहाँ पद ग्रहण करने के लिए आई हूँ। उच्च न्यायालय के आदेश जो कार्यवाहक सभापति उनका भी 60 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, आपको पद पर कहीं ना कहीं आदेश नहीं हुए कि आपको संभलाया जाए, वजह क्या लगता? अब ये वजह का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने तो मैंने जब ये कदम उठाया है कि जब मैं सभापति बन चुकी, पहले निलंबित थी तब भी सभापति थी, और आज में क्लियर मेरे आदेश आए हुए हैं 2 महीने 8 दिन से, उसके बाद भी चुनाव की घोषणा कर दी जो कि हुए होना ही नहीं है। मैंने तो ये इंतजार किया DLB बिठाए, मुझे DLB बिठाए, मेरे को 2 महीने हो गए चक्कर लगाते, DLB में मैं भी गई, मेरे वकील को भी भेजा मैंने। जब से मेरे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं तब से मैंने यही सोचा मैं DLB के थ्रू ही बैठूँ, लेकिन अब जब इन्होंने जान पूछ के इतना बड़ा कदम उठाया है कि पद रिक्त नहीं है और चुनाव की घोषणा कर दी, तब मैंने अपना पद ग्रहण करने के लिए आगे कदम बढ़ाई। ये भी कहा जा रहा है कि 2 महीने तक आप इसलिए इंतजार, हमने तो सोचा कि हमें DLB बिठाए उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये पद जैसे ही इन्होंने पद रिक्त किए हैं तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा, नहीं अभी भी मैं इंतजार कर। अब भी ताला लगा हुआ है, आना चाहिए, आपको लग रहा है कि कोई सोची समझी रणनीति है? अब ये रणनीति होगी, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, हम कलेक्टर साहब के पास जाके आदेश करें मांगेंगे, हमें बिठाए आके यहाँ पे, हम तो हमारा पद ग्रहण करेंगे, हम हमारा पद कैसे छोड़ सकते हैं? आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की सरकार क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार में कोई ऐसी हमारी देश भावना नहीं।